मेरी प्यारी और अधर्मी अध्यापिका जी, मेरा नाम युवान नागपाल है। आज मेरी कविता का विषय है कि कोरोना वायरस के कारण सब गरीब बच्चे स्कूल जाने के बजाय अपने माता पिताजी के काम में मदद कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी कविता के माध्यम से आप सब लोगों का ध्यान इन गरीब बच्चों की दयनीय हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरी कविता का नाम बचपन की मौत है, जिसका मतलब जो बच्चे काम करते हैं जैसे कि चाइल्ड लेबर। मेरे खामोशपन ने मुझे कर दिया है कमज़ोर, मेरे खामोशपन ने मुझे कर दिया है कमज़ोर। बाहर सन्नाटा इतना ज़्यादा है कि अब वो मचाने लगे हैं शोर। मैंने नन्हे नन्हे हाथों को करते हैं काम करते हुए देखा है, मैंने इस जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है। मैंने इस जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है। दिमाग जिसका कोई खिलौना नहीं जानता, दिमाग जिसका कोई खिलौना नहीं जानता। जमीन तो काफी है पर वो बिछौना नहीं जानता। वो हर छोटे जख्म को हंसकर सह लेता है, वो जरा जरा सी बात पर रोना नहीं जानता। जहाँ जब उसके पेट में भूख होती है और उसे खाना नहीं मिलता है, जब उसे खाना नहीं मिलता है, मैंने उसके आंखों में आंसुओं को झरते हुए देखा है। मैंने इस जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है। वो छोटा सा बच्चा देता बड़ी सी सीख है, वो छोटा सा बच्चा देता बड़ी सी सीख है। अखबारें तो बेच लेता है पर मांगता ना भीख है, अखबारें तो बेच लेता है पर मांगता ना भीख है। बीमार माँ के लिए ले जाता है खुद खरीद खाना, बीमार माँ के लिए ले जाता है खुद खरीद खाना। देखा है मैंने उसके पेट को पानी से बहलाना, देखा है मैंने उसके पेट को पानी से बहलाना। कभी मंदिर के प्रसाद से तो कभी मस्जिद की दावत से वो भर लेता है अपना पेट। मैंने इस जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है, मैंने जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है, देखा है। जिस तरह नाता है कांटों और गुलाब से, जिस तरह नाता है कांटों और गुलाब से, उसी तरह कुछ रिश्ता है उसकी जिंदगी की किताब से, उसी तरह कुछ रिश्ता है उसकी जिंदगी की किताब से। क ख ग उसके कानों में नहीं जाता है, क ख ग उसके कानों में नहीं जाता है। वो पढ़ता तो नहीं है कुछ पर दुकानों में बेच लेता है। बड़ी इमारतें बनती है, मैंने उसके कंधे पर ईंट धरते हुए देखा है। मैंने जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है, इस जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है। वो बचपन की भी इच्छा है स्कूल जाने की, वो बचपन की भी इच्छा है स्कूल जाने की। उसकी भी ख्वाहिश है अपनी भविष्य बनाने की, उसकी भी ख्वाहिश है अपनी भविष्य बनाने की। वो रहता है तंबू में पर दिखता नहीं किसी को, वो रहता है तंबू में दिखता नहीं किसी को, पर सरकार बातें करती है कई और मंदिर बनाने की, सरकार बातें करती है। मैंने उसके हालातों को अपने कलम से उतरते हुए देखा है, मैंने इस जिंदा शहर में बचपन को मरते हुए देखा है, अपने बचपन को मरते हुए देखा है। माय नेम इज यजय जग्गी एंड आई स्टडी इन क्लास 5A। टुडे आई एम गोइंग टू स्पीक अ पोएम अबाउट द टॉपिक Child labor. Hopeful eyes, happy smiles, soft hands, million dreams. Is this not the identity of a child? Then why do I see tear-filled eyes, terrified faces, rough hands and shattered dreams, deprived of their childhood, overloaded with work, burdened with responsibility at such a young age? So much to learn, so much to accomplish, but not given enough time. Fight for a cause, raise your voice, stop child labor, put a smile back on their face, give them the childhood that was stolen from them. Fight for a cause, raise your voice, stop child labor. Thank you.